रवि जी, श्लेषा जी, बहुत बहुत स्वागत है भोजपुरी की बातों पर आपका। आपकी फिल्म आने वाली है लव कनेक्शन, ट्रेलर रिलीज हुआ है। सबसे पहले बताइए, कितनी खुशी हो रही है? आपके ट्रेलर को बहुत पसंद किया जा रहा है। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। हम हैं रवि त्रिपाठी और ये श्लेषा मिश्रा जी। प्रणाम जी। हम लोगों को तो बहुत खुशी हो रही है, हमारी पिक्चर आने वाली है, हमारी फर्स्ट मूवी है। श्लेषा जी का तो ये तीसरी पिक्चर है, लेकिन हमारी फर्स्ट मूवी है जो रिलीज हो रही है। तो आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाइए, जैसे हमारे ट्रेलर के ऊपर प्यार और आशीर्वाद बनाए, जो 3 दिन में 5 लाख के करीब हुआ है और अभी 6-7 लाख हो रहा है। तो मुझे लग रहा है 2-3 दिन में 1 मिलियन हो जाएगा। तो ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद बनाइए और हमारी पिक्चर को देखिए जी। श्लेषा जी, बताइए, कुछ ट्रेलर को जितना पसंद किया जा रहा है, आपको कितनी खुशी हो रही है? जी, ट्रेलर जब रिलीज़ हुआ तो मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इसलिए थी क्योंकि मेरी पहली फिल्म है भोजपुरी में, और 2 फिल्में और कर चुकी हूँ, लेकिन ये फिल्म सबसे पहले बाहर आ रही है। और जिस लेवल की खुशी मुझे है, उस लेवल की खुशी शायद इनको भी है, क्योंकि ऑडियंस रिस्पॉन्स हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया है। विदिन 2-3 डेज 5 लाख क्रॉस हो गया है, एंड आई गेस विदिन 2-3 डेज 1 मिलियन भी क्रॉस करेगा, जिसे हम सेलिब्रेट भी करेंगे। सो हाँ, बहुत खुशी है और फिल्म रिलीज़ होने का वेट कर रहे हैं। अभी तक डेट नहीं आई है, बट यस, होपफुली इन वीक। जी रवि जी, कुछ अपने किरदार के बारे में बताइए। किरदार तो हमारा लव कनेक्शन पिक्चर का नाम है, हमारे मूवी का नाम लव कनेक्शन है। तो इसमें किरदार तो हम प्यार कर रहे हैं एक हीरोइन से, हीरोइन हमारी श्लेषा जी हैं। तो उसके बाद बीच में बिछड़ जाते हैं, फिर काफ़ी कुछ ट्रेजडी होती है, वो कैसे मिलते हैं, और लास्ट में मिलने के बाद भी हमारी होप आती है कि नहीं, ये सब आपको पूरी मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। कुछ सस्पेंस रहने दीजिए, जो आप लोग भी थिएटर तक और टीवी तक जाइए देखने के लिए। तो देखिए, मूवी बहुत अच्छी बनी है, परिवार के साथ आप बैठ के देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन इसमें गाने हैं, जितने भी गाने हैं वो गाने भी आप परिवार के साथ देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अभी इसमें से 3 गाने रिलीज हो चुके हैं एंटरटेन रंगीला चैनल पे, और अभी बाकी के बचे हुए 3 गाने, आज एक गाना शाम को आ रहा है, शाम को आज 29 को 7 बजे एंटरटेन रंगीला चैनल पे आ रहा है। और मूवी जो है ये मोस्ट ऑफ नेक्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए, फ्राइडे तक आएगी अगर मूवी, तो ये आएगा भोजपुरी सिनेमा पे। और एक लास्ट चीज़ मैं बोलना चाह रहा था कि काफ़ी इंटरव्यूज हमने दिया, लेकिन ये जो हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं, जो हमारी पिक्चर जो हमारी मूवी आज रिलीज के कगार पे आया है, और क्योंकि हम काफ़ी 4-5 महीने पहले ही हमारा पोस्ट वगैरह कंप्लीट हो गया था, हम कई चैनल में गए थे, तो हम लोग न्यू स्टार कास्ट हैं, इसके लिए हमको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो इंटरटेन रंगीला चैनल के जो हमारे हैं अपूर्वा जी और मोनिका जी, इन्होंने देखा हमारा ट्रेलर, देखा इन्होंने मूवी मंगाया, देखा उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने हमको सपोर्ट किया, और नए स्टार कास्ट के लिए, और नए स्टार कास्ट हम लोग थे, हमको सपोर्ट किया, उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। उनसे भी बहुत बहुत थैंक यू, एंड हाँ, माफ़ी मांगना चाहेंगे क्योंकि ऐसे 2-3 इंटरव्यू में हम ये बता नहीं पाए, लेकिन न्यू कमर्स रहे हम, और आफ्टर ट्रेलर देखने के बाद जितना इन्होंने कोशिश की कि हमारे एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे फिल्म आए और ऑडियंस तक पहुंचे, बट किसी ने उतना सपोर्ट नहीं किया जितना अपूर्वा जी और मोनिका जी ने किया है। तो थैंक यू सो मच एंटरटेनमेंट रंगीला एंड भोजपुरी सिनेमा हमें एक चांस देने के लिए, और होपफुली ये बार आगे की यंगस्टर तक भी जाए कि देर आर पीपल जो सपोर्ट करते हैं न्यू कमर्स को। जी रवि जी, बहुत बार ऐसा होता है कि जो न्यू कमर होता है उसको सपोर्ट नहीं मिलता, जैसे आपने खुद ने कहा, तो उनको किस तरह से कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो उनको जाननी जरूरी है ताकि वो फ्यूचर में अपने काम को आगे बढ़ावा और दे सकें? ये तो न्यू कमर को हमको चांस देना चाहिए। कब तक हम वही जो 4-5-10 हीरो जो हैं, जो अभी चल रहे हैं, उनकी मूवी देखेंगे या हीरोइन जो है उनकी देखेंगे? नए लोगों के अंदर भी टैलेंट है, हो सकता है उनसे कहीं ज़्यादा ही हो, तो एक बार चांस उनको भी दे के देखना चाहिए, तो शायद बहुत कुछ चेंजेस हो सकता है हमारी इंडस्ट्री में, और नए लोग आएंगे, नया चीज़ ले आएंगे, नयापन आएगा हमारी भोजपुरी में। तो हम तो यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग सभी न्यू कमर को सपोर्ट करिए, और ज़रूरी नहीं है कि अगर न्यू कमर है तो अच्छा एक्ट नहीं किया है, अच्छी स्टोरी उसकी नहीं होगी,
वो भी आता है दो, तो काफ़ी कुछ मतलब ये देखा जाए कि हम जितने एक्टर की हमने एक्टिंग देखा, डांसिंग डांस देखा, तो हम उससे सीख के हम कहीं और बेहतरीन होते हैं। लेकिन हमको तो नए में गिनती किया जाता है। लेकिन अपूर्वा जी और मोनिका जी का तहे दिल से शुक्रिया। और इसके मार्केटिंग मैनेजर थे हमारे मनोज जी, तो इन तीनों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इस मुकाम पे पहुंचा कि हमारा हमारी मूवी रिलीज हो रही है। और नेक्स्ट मूवी भी हमारी मोहे सवरिया, वो भी इंटरटेन रंगीला से ही में भी आएगा। और तीसरी पिक्चर हमारी तेरा मेरा साथ रहे, वो भी अभी उसका भी पोस्ट कंप्लीट हुआ है। वो तो दर्शकों को हम बैक टू बैक तीन पिक्चरें हमारी आ रही हैं जो कि देखने को मिलेगा। और फिर हम चौथी पिक्चर शूट करने जा रहे हैं, उसका भी हम आप लोगों को जल्दी ही बताएंगे कि कौन सी मूवी कौन से लोकेशन पे मूवी का नाम क्या है, शूट करने जा रहे हैं। धन्यवाद। जी श्लेषा जी, आपकी ये पहली फिल्म है जो रिलीज होने वाली है, और भी फिल्में अगर आपने की है तो उसके बारे में बताइए। जी, जो पहली फिल्म दो थी, जिनमें से एक रितेश पांडे जी के साथ की है, अतीत एक प्रेम कथा, जो कि जिसका जॉनर हॉरर एंड कॉमेडी है। दूसरी फिल्म की है चिंटू पांडे जी के साथ, सज्जन रे झूठ मत बोलो। दोनों ही फिल्म बहुत ही एक दूसरे से अलग जॉनर की हैं और बहुत अच्छी फिल्म है दोनों भी। आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं जिनके साथ मैंने काम किया। होपफुली इस फिल्म के रिलीज होने के ठीक 15-20 दिन में वो भी फिल्में आ रही हैं, तो मैं ऑडियंस का सपोर्ट चाहती हूँ, सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री में और काम करना है। और जब तक फैन सपोर्ट नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि मैं अगर 10 फिल्में और बनाऊंगी तो उनके दिल तक पहुंच पाऊंगी। तो हाँ, मैं वेट कर रही हूँ कि वो भी फिल्में बाहर आए और रजिस्टर हूँ मार्केट में और लोग पसंद करें, और मैं वैसे ही मसालेदार और ऐसी फैमिली फिल्म ज़रूर मार्केट तक लाना चाहूँगी। रवि जी, क्या ये जोड़ी वापस से रिपीट होगी आपके और श्लेषा जी के? भी हम नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं, साथ में एक मूवी हमको मिला हुआ है, तो हम लोग नेक्स्ट मंथ साथ में ही, हमको हम दोनों ही हैं उस मूवी में, तो मैं हीरो हीरोइन, तो हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं जी शूट करने। तो श्लेषा जी के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम चाहेंगे कि आगे भी काम करते रहें। जब जब भी मौका मिलेगा हम जरूर साथ में काम करेंगे। जी श्लेषा जी, आप बताना चाहेंगे जो फिल्म आप दोनों शुरू करने वाले हैं उसके बारे में अगर कुछ डिटेल्स देना चाहें तो? एक्चुअली टाइटल बहुत ही प्यारा है, लेकिन हम लोग उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे टाइटल को। और अभी उसकी स्टोरी पे ही काम चल रहा है, फर्स्ट ड्राफ्ट हम लोगों ने ऑलमोस्ट रेडी कर लिया है, बट कहते हैं जितना उस पर काम करेंगे स्क्रिप्ट पे, एक नई चीज़ आती जाएंगी। तो ये फिल्म जो है, ये अपने आप में एक हम ओल्ड स्कूल चले जाते हैं, वो पुराना जो होता है ना कि कब किससे आप एक नज़र में कहते हैं ना, लव इज फर्स्ट साइट। सो वैसा कुछ है इस फिल्म के अंदर, लेकिन उस फिल्म से, उस कॉन्सेप्ट से भी ज़्यादा एक बहुत बड़ा मैसेज आने वाला है इस फिल्म के अंदर। तो वो भी नहीं बताऊंगी, आफ्टर इस फिल्म के रिलीज के बाद डेफिनेटली हम सारी चीज़ें डिस्क्लोज करेंगे। बट हाँ, दर्शकों के लिए, अगर जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस लव कनेक्शन में, हमें वो फिर से देखना चाहते हैं साथ में, तो ढेर सारा प्यार इस फिल्म को दीजिएगा, ताकि उस फिल्म को हम उतने ही प्रेम और उतने ही डेकोरम के साथ बनाएं। जी, रिलीज को लेकर कुछ बताएंगे आप दोनों? रिलीज के अभी तक चैनल से हमको डेट नहीं मिला हुआ, लेकिन जिस हिसाब से आ रहा है गाना, 2 दिन बाद एक गाना रिलीज हो रहा है, तो अभी 4 गाने तो हो जाएंगे आज, तो 2 गाने और बचेंगे, 6 गाने हैं मूवी में, तो 6 गाने कंप्लीट होने के बाद विद इन वीक मूवी आ जाएगी। जी शीर्षा जी, कुछ कहना चाहेंगी आपके फैंस को? जी, मैं अपने फैंस को ही कहना चाहती हूँ कि कुछ बुरे कमेंट्स भी आते हैं, अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन मेरी जर्नी इतनी आसान नहीं रही है, बहुत मुश्किलों से मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ। और दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर इस फिल्म से आपको कोई थोड़ा बहुत हर्ट भी होता है, तो एक कहते हैं ना, इस निर्देशक को, मतलब इस फिल्म को एक ऐसा फिल्म की तरह देखें और प्यार दीजिएगा, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में, फिल्म के कोई बैकग्राउंड नहीं है कि हमारे फादर मदर ऐसा कुछ हो, तो मुझे तो डेफिनेटली बहुत सपोर्ट चाहिए, जैसा रवि जी ने मुझे सपोर्ट किया है। ये मैसेज मैं सारे अपने दर्शकों को देना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 इस फिल्म को देखिए, प्यार दीजिए और मुझे सपोर्ट करिए, और इन्हें भी सपोर्ट करिए, ताकि हम और भी फिल्में बनाएं। रवि जी, आप कुछ कहेंगे फैंस से? बस फैंस से यही करेंगे कि वो कहेंगे कि जो है हम लोगों को सपोर्ट करिए, जैसा हमारा ट्रेलर को सपोर्ट किया, उसे मूवी भी देखिए आप लोग भोजपुरी सिनेमा पे, और गाने हमारे आ रहे हैं तो वो भी आप लोग देखिए और सुनिए। बाकी आप लोग का जैसा ही प्यार आशीर्वाद मिलेगा, जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ही अच्छा, हम नेक्स्ट मूवी में हम आपको दिखाएंगे, नेक्स्ट मूवी हम करेंगे। बाकी धन्यवाद। एक छोटी सी चीज़ कहना मैं भूल गई हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया एंटरटेनमेंट रंगीला का, और मनोज जी का, अपूर्वा जी का, और मोनिका जी का, थैंक यू सो मच कि फिल्म भोजपुरी सिनेमा पे आने वाली है, गाने सारे एंटरटेनमेंट रंगीला पे आए हैं। आज रात शाम 7 बजे एक गाना आने वाला है, गुड नाइट होके द, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है,
तुरंत के तुरंत 7 बजे जैसे ही गाना आए प्लीज फॉलो द लिंक, लाइक शेयर एंड कमेंट, और ढेर सारा प्यार करिए, ढेर सारा गाना शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।